न्यूज 36 के जम्मो देखैया दर्शक मन ला नीरज के जय जोहार, स्वागत है आप मन के खबर 36 मा। तो खबर 36 के शुरुआत करबो। सूरजपुर जिला के आदिवासी समुदाय मन रावण दहन के विरोध पाछू कई बछर ले करत है। आदिवासी समुदाय के कहना है कि रावण उमन के इष्ट देव है, जेकर उमन पूजा करते। एकरे चलत समाज के लोगन कलेक्टर, राज्यपाल और राष्ट्रपति ला चिट्ठी लिख जम्मो देश भर में रावण दहन ऊपर प्रतिबंध लगाए के मांग करत है। आदिवासी समुदाय के लोगन पाछू कई बछर ले शांतिपूर्ण ढंग से अपन मांग रखत आवत है, फिर अब मांग पूरा नहीं होए मा उमन उग्र आंदोलन करे के बात कहत है। तो अन्य प्राकृतिक स्थल हैं वहाँ पे इनकी हम पूजा करते हैं, और हम नहीं चाहते कि संविधान का अनुच्छेद 253, 153 और 298 के तहत, जिसमें स्पष्ट संविधान में लिखा है कि किसी भी जाति, धर्म या समिति के द्वारा किसी भी आराध्य जो स्थल है या लिंग है या तो धर्म है या तो संस्कृति है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हम उसी के तहत कलेक्टर के पास इसकी ज्ञापन सौंपे थे, और ज्ञापन में हमने स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को उल्लेख किया था, हमारी समस्याओं को बताया था कि हम किस प्रकार से इनकी पूजा पाठ करते हैं, और जो विधि के बल प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 13(3)(ख) के तहत, कम से कम संविधान का पालन करें और हमारी जो आराध्य और हमारी परंपरा और संस्कृति के साथ इस प्रकार का अत्याचार ना हो, इसके संबंध में हम हमेशा इसका विरोध करते हैं। पिछले साल भी किए थे, इस साल भी करेंगे, किए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारे रावण हैं, रावण का ही विकृत रूप रावण बना दिए हैं, तो हम हमेशा उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनके द्वारा प्रकृति का हमेशा रक्षा किया गया है, और जल जंगल जमीन के साथ साथ हवा जितने भी चीज़ जो हम प्रकृति में देखते हैं उनके रक्षा करते हैं, और उसको हम और हमारे जो पूर्वज हैं वो मानते आ रहे हैं, हम भी उसके प्रति श्रद्धानिष्ठ हैं और मनाते हैं, उनका पूजा अर्चना हम करते हैं। अब हमारे जो संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अगर रोड में उतरना पड़ेगा तो रोड में भी उतरेंगे, और अभी हम संवैधानिक रूप से ज्ञापन के रूप से संविधान के जो उनके जो नियमों हैं उनका पालन करते हुए हमने नियमबद्ध राष्ट्रपति और राज्यपाल को रक्षा करने की बात कर रहे हैं, चूँकि संविधान के रक्षक वही हैं और आदिवासी समाज हमेशा संविधान पर विश्वास किया है, तो हमने सर्वप्रथम ज्ञापन के माध्यम से इसका जानकारी सरकार के पास पहुंचा रहे हैं, और भविष्य में ये उग्र रूप से आंदोलन होगा, चूँकि सभी आदिवासी समाज आज आक्रोशित हैं। रावण दहन एक बुराई का प्रतीक है। एक प्रकांड विद्वान होते हुए भी रावण के अंदर जो बुराइयां थी, जिसकी वजह से भगवान राम ने उनका वध किया, उन चीज़ों को लेकर के रावण दहन हम प्रतीकात्मक रूप से प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। जहाँ तक आदिवासी समुदाय की बात है, आदिवासी समुदाय बहुत ही सरल, सहज और भोले भाले लोग, जल जंगल और जमीन से जुड़े हुए लोग। इस समुदाय के आराध्य देव जो हैं वो बूढ़ा देव हैं, जो कि भगवान शिव के ही प्रतीक माने। तो रावण दहन का विरोध जो है वो आदिवासी समुदाय नहीं करता है, ये कुछ लोग ऐसे हैं उस समुदाय में जो कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। जहाँ तक आदिवासी समुदाय का ये कहना कि रावण उनके आराध्य थे, तो ऐसा कोई भी प्रमाण पौराणिक रूप से या आदिवासी समुदाय की कथाओं में भी नहीं मिलता है।